नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं टू वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स इन सेगमेंट ऑफ अंडर 1.5 लाख। वो बाइक है नन अदर देन अपाचे आरटीआर 164V एंड बजाज पल्सर N160। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही बाइक अपनी सेगमेंट की बेस्ट बाइक्स हैं एंड आपस में भी इनका काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है। आइए बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के बारे में एंड एंड में ये बताएंगे कि इन दोनों में से हमारा पिक कौन सा है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के लुक्स एंड फील की। दोस्तों अपाचे शुरू से ही एक स्पोर्ट्स एंड प्रीमियम लुकिंग बाइक रही है एंड TVS ने धीरे धीरे उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, पर अभी भी अपाचे का काफ़ी सिमिलर लुक होने के बावजूद भी आज भी अपाचे इज फर्स्ट चॉइस ऑफ द मेनी राइडर व्हेन इट कम्स टू लुक एंड फील इन दिस सेगमेंट। दूसरी तरफ पल्सर N160 इज द न्यू लुकिंग बाइक एंड बजाज ने काफ़ी मेकओवर किया है पल्सर में उसे एक न्यू एंड बेटर लुक एंड फील देने के लिए। पल्सर में आपको सेमी डिजिटल कंसोल मिलता है, वहीं अपाचे में आपको फुल डिजिटल कंसोल विथ मच मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अपाचे में आपको और भी कुछ प्रीमियम फीचर्स जैसे कि एडजस्टेबल लिवर्स, सॉफ्ट हैंड ग्रिप्स एक्सेट्रा मिल जाते हैं। हालांकि दोनों बाइक्स थोड़ी फैमिलियर सी दिखती हैं, पर हमारी चॉइस लुक्स के मामले में है ऑफ कोर्स अपाचे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इन बाइक्स की इंजन एंड परफॉर्मेंस की। तो पल्सर N160 में आपको सिंगल सिलेंडर टू वॉल्स इंजन मिलता है जो जनरेट करता है 14.65 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। साथ ही में इसमें आपको मिल जाता है लगभग 47 की माइलेज हाईवेज पे एंड सिटी में आपको लगभग 44 की माइलेज मिल जाती है। वहीं अपाचे में आपको मिलता है सिंगल सिलेंडर स्पार्क इग्निशन ऑयल कूल्ड इंजन जो जनरेट करता है 14.2 nm ऑफ टॉर्क। अपाचे में आपको 51 का माइलेज मिल जाता है हाईवेज पे एंड 42 का सिटी में। TVS अपाचे का इंजन काफ़ी ही रिफाइंड है एंड एक स्मूथ सेलिंग का अनुभव देता है। हालांकि पल्सर N160 का इंजन अपाचे से ज़्यादा परफॉर्मिंग है, नीट है एंड एक बेटर साउंड जनरेट करता है, पर हाई स्पीड पे अपाचे का इंजन पल्सर को बीट कर देता है। तो फॉर परफॉर्मेंस हमारी चॉइस रहेगी पल्सर N160 इफ़ यू ड्राइव ओनली इन सिटीज एंड अपाचे RTR 164V इफ़ यू डू सिटी ड्राइविंग्स एंड लॉन्ग राइड्स एज वेल। दोस्तों अगर फीचर्स की बात करें तो अपाचे एक क्लियर विनर रहेगा इस सेगमेंट में। अपाचे में आपको ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिससे आप ट्रैफिक में काफ़ी स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा अपाचे में आपको मिलता है स्मार्ट कनेक्टिविटी जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, एडजस्टेबल लिवर्स, सॉफ्ट ग्रिप्स और भी कई सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। पल्सर में आपको USB चार्जिंग पोर्ट, बेस्ट इन क्लास नीटली डिफाइंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोस्तों बात करें इन बाइक्स की प्राइस की, तो ड्यूअल चैनल ABS पल्सर N160 की प्राइस आपको 1.29 लाख तक देखने को मिल जाएगी। वहीं अपाचे RTR 164V विद स्मार्ट कनेक्ट की एक्स शोरूम प्राइस आपको 1.28 लाख तक देखने को मिल जाएगी। दोस्तों दोनों ही बाइक्स सिमिलर प्राइसिंग एंड काफ़ी सिमिलर राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में आती है, पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको नज़र में रखते हुए हमने इन बाइक में से एक बाइक चूज़ की है। अगर आप एक सिटी राइडर हैं या आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपके लिए पल्सर N160 एक कंफर्टेबल ऑप्शन रहेगा, और अगर आप ज़्यादा लॉन्ग राइड्स और हाईवे राइड्स करते हैं तो अपाचे आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। हालांकि सारे फीचर्स एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सच एज राइडिंग क्वालिटी, हैंडलिंग, स्मूथनेस, डिजिटल फीचर्स, कम्फर्ट एंड लुक्स को नज़र में रखते हुए हमारा वर्डिक्ट है कि अपाचे RTR 164V इज स्टिल द किंग ऑफ 160cc सेगमेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो इन बाइक्स के बीच में कंफ्यूज्ड है या न्यू बाइक लेने का सोच रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन एंड डील के साथ।